Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class businesses. Big Tech. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि देश में बेतहाशा बढ़ती आबादी से देश में शिक्षा, रोजगार, भोजन, आवास ये सभी समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। आने वाले समय में इन कमियों के कारण देश में गृहयुद्ध के हालात न पैदा हो जाएं, इसलिए आवश्यक है सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इसलिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से लगातार 2 चाइल्ड पॉलिसी आंदोलन चला रहा है, जिसकी एक मांग है मुख्य, केवल और केवल एक मांग है, देश में 2 बच्चों कानून बने और सभी के ऊपर समान। तो क्या इसके लिए आप सरकार से बातचीत? जी, रोड मैप पिछले 3 वर्षों से करे हैं, अगली हमारी कार्य योजना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। सरकार से जहाँ तक बातचीत की बात है तो लोकतंत्र में जिस तरीके से भी बातें रखी जा सकती है, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, जिलाधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से, देश भर के 312 जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से हमने भारत सरकार प्रधानमंत्री वाजपेयी का ज्ञापन सौंपा है। लगता है कि कुछ व्यवस्थाएं बनेंगी ऐसी आशा है, और नहीं भी बनेंगी तो हम लोग पूरा देश एक साथ खड़े हो इस विषय पे काम जी। कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, और जो लोग भी कानून तोड़ने के प्रयास करें, जो लोग भी कानून तोड़ें, उनको सभी समस्या, सभी भिन्नताओं से ऊपर उठते हुए सभी सुविधाओं से, जितनी वोटिंग राइट समाप्त किया जाए, सब्सिडी और आदि से सबसे उनका समापन करते हुए वोटिंग राइट समाप्त किया जाए, और उससे अधिक सबसे बड़ी बात है कि अगर उसके बावजूद भी अगर कोई ना माने, चौथे बच्चे की हो जाए, तो फिर उसका सीधा सीधा एक ही कहना है, जेल भेज जी। दरअसल चाइना को हम नकल नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक देश है, और वैसे भी एक चाइल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी के अपने नुकसान, एक पति एक पत्नी, 2 लोगों के अगर एक बच्चा हो और कानूनी आवश्यकता अनिवार्यता के साथ एक बच्चा हो, इसका नुकसान होने वाला है, विध्वंस की तरफ मामला जाएगा, इसलिए हमने अधिकतम 2 बच्चे का। इसके लिए क्या आप कोई धरना प्रदर्शन करने वाले हैं कुछ? जी हाँ बिल्कुल, 1 जुलाई 2018 से 15 जुलाई 2018 तक हम जनसंख्या पखवाड़ा मनाने वाले हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, हम वर्ल्ड पॉपुलेशन पखवाड़ा मनाने वाले हैं। 15 जुलाई को देश भर से हजारों लोग, 20,000 की संख्या दिल्ली में इकट्ठा होगी और इस विषय की मांग करेगी। 2 महीने उसके आगे कार्यक्रम चलेगा, और 30 सितंबर से अगर कानून नहीं बना तो देश भर के सभी जिलों पर और दिल्ली में विशेष रूप से अनिश्चित रूप से धरने। और 15 जुलाई के बाद